तो जैसे ही अपने, अपने बताया कि मर्क्यूरी के राजकुमार, okay. राजकुमार। सूर्य से सबसे नजदीक वाला ग्रह है और जिनका मर्क्यूरी अच्छा रहता है वो एकदम इनोसेंट टाइप के रहते हैं बच्चे जैसे रहते हैं उनका okay. छल कपट नहीं रहता उनके मन में और मर्क्यूरी का मतलब ये डेटा कलेक्ट करना तो okay. so, ज्यादातर वो लोग रिसर्च में रहते हैं अगर आप देखो आजकल रिसर्च फील्ड में काफी लोग अच्छा काम कर रहे हैं सो so, वो मर्क्यूरी काम है और अगर उनका मर्क्यूरी खराब होगा तो so वो उस डेटा को यूज नहीं कर पाएंगे वो कलेक्ट करते रहेंगे okay. वो सिर्फ कलेक्शन काफी लोगों को देखो आप मोबाइल जैसे है सो मोबाइल इज अगेन राहू एंड मर्क्यूरी इज डाउनलोडिंग सो कई लोग डाउनलोड करके हमेशा देखते रहते हैं बिजी रहते हैं सो राहु का कॉम्बिनेशन पढ़ाई कर रहे हैं सो so अगर वो डेटा को कर सकते हैं तो उनका मर्क्यूरी राहु अच्छा है और जिनका अच्छा नहीं होता है पे क्या असर होता है देखो मर्क्यूरी आपका सबकॉन्शियस माइंड है सो okay. so, जिनका खराब होता है बेसिकली उनको काफी सारी डिसीजे में अगर बात करें सबसे पहली आती है स्किन रिलेटेड डिजीज दिमाग उनका स्थिर नहीं रहता है ऑटिज्म जो काफी बच्चों को होती है सो so, ऑटिज्म जो एक बीमारी है वो मर्क्यूरी से रिलेटेड और दोष उसमें रहता है स्किन रिलेटेड सारी रहती बेसिकली जिसमें भी आपको दिमाग लगा के काम करना है हुँ. जो आपका थॉट है वो मर्क्यूरी है सो so, बॉडी तो खराब करता ही करता है क्योंकि आपका थॉट खराब कहता है ना मन चंगा तो कटौती में कम है सो so, वैसी वाली बात है so, आपका मन ही अच्छा नहीं होगा दिमाग ही अच्छा नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते और डिसीजेस में काफी चीजें हैं बहुत लोगों को दांत की भी दिक्कत हाँ, दांत का प्रॉब्लम भी मर्क्यूरी से होता है लेकिन वो मर्क्यूरी कॉम्बिनेशन रहता है okay. बेसिकली और स्किन हो गया बोन्स अगर मर्क्यूरी बहुत खराब हो गया और उसने आपका इंटेस्टाइन अगर खराब किया क्योंकि जो hmm. भी आप खाते हैं वेजिटेबल्स जो है वो हमारी मर्क्यूरी है okay. सो कुछ भी अगर आप खाते हैं वो स्टमक में जाता है सो मर्क्यूरी राहु अगर राहु खराब है तो आपको आंतों की तकलीफ देगा सो इनडायरेक्टली आपकी बोन है ब्लड भी खराब होगा तो निमिषा बहन आप हमें ये बताइए कि रेमिडीज क्या है जिनके ऊपर अच्छा असर नहीं होता है मरक्यूरी का मरक्यूरी जिनका अच्छा नहीं होता है उनको बुद्ध की चैंटिंग करना चाहिए okay. रात को मूंग को भिगो के चिड़ियाओं को खिलाना चाहिए क्योंकि चींटी और जो चिड़िया है वो मरक्यूरी मतलब अगर खाते हैं चींटी और चिड़िया तो चींटी को कुछ भी खिला सकते हैं आप आटा okay. भी खिला सकते हैं शक्कर भी खिला सकते हैं बट अगर पक्षियों को खिलाते हैं तो मर्क्यूरी अच्छा रहता है बुध की चैंटिंग कर सकते हैं मर्क्यूरी का स्टोन पहन सकते हैं होता है okay. so, एक, है आपका थॉट सो एक से रिलेटेड ऐसी चीज जब आप थॉटलेस रहते हैं जैसे हम डांस करते हैं हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं गाना okay. गाने so, उसमें इतना लीन हो जाते हैं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जैसे पेंटिंग करना काफी बच्चों को पेंटिंग पसंद है सो मर्क्यूरी बेसिकली ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम बच्चे रहते हैं सो so, मर्क्यूरी की महादशा तभी चालू होती है जब हम छोटे बच्चे रहते हैं सो so, उस टाइम पे उनको कोई भी एक्टिविटी सिखा दो चाहे क्रिकेट ही क्यों ना हो सो so, पेंटिंग ही क्यों ना हो तो उसको जल्दी ग्रास्प कर लेते हैं या हुँ. पढ़ाई हो सो so, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपके बच्चे को अच्छी लगती है अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से पूछ के उसको चालू करवा देते हैं गाइडेंस लेके तो so, आपका मर्क्यूरी वैसे ही अच्छा हो जाता है वेगन डाइट ज्यादातर जो लोग वेगन डाइट या वेगनिज्म ज्यादा खाते हैं फ्रूट ज्यादा खाते हैं

फार्मोलॉजिस्ट जो फार्मेसी से रिलेटेड काम करते रहते क्योंकि मेडिसिन पढ़ना अपने आप मरक्यूरी में ही काम तो अपन ये बोल सकते हैं कि जो ओवर थिंकर होते हैं उनकी मर्क्यूरी मर्क्यूरी राहु खराब रहता है ज्यादा सोचने से मर्करी खराब होता है और राहु एक्टिव हो जाता है राहु इज ओवर थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग इज